चेंज देअर नेम टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उनका नाम शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया है एंड आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट तो इस क्विज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्विज को अटैम्प्ट करने का तरीका बता दूँ आपने पेन एंड पेपर लेकर बैठना है इस टोटल क्विज में आज की क्विज में ग्यारह क्वेश्चन है तो आपको पेपर में वन से लेके लेकेवेंथ तक ऐसे मार्क कर लेना है और जैसे आपको फर्स्ट का कोई भी आंसर लगता है राइट जैसे आपको लगता है कि राइट आंसर इसका आपको लगता है बी है तो आपने लिख दिया यहाँ पे बी राइट तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री चेंज देयर नेम टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इसका राइट आंसर है ए क्योंकि आपने लगाया था बी तो आपका हो गया गलत तो आप यहाँ लगे हुए ए राइट जब पूरा क्विज आप अटेम्प्ट कर लो तो आपको लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए इससे आपको चेक करेगा कि आपका करंट अफेयर का कर पोर्शन कितना तैयार है राइट right. तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आपके ऑप्शन है कतर सऊदी अरेबिया यू एंड इराक तो so, उसका राइट आंसर है यू तो यू बना है आपका पहला अरब नेशन जिसने खोला है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज मास रोवर विच हैज लॉन्च टू सीक साइन ऑफ एंशंट लाइफ तो आपको बताना है नासा के मास रोवर का क्या नाम है जिसे प्राचीन जीवन के संकेत की तलाश के लिए लॉन्च किया गया है एंड आपके ऑप्शन है इंगिटी प्रिजर्वरेंस होप एंडसिस सेकेंड द राइट आंसर इज बी इट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उत्तराखंड विल सेट अप अ स्नो लियो पार्ट कंजर्वेशन सेंटर इन विच सिटी तो उत्तराखंड के किस शहर में स्नो लिया पार्ट संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा तो आपके ऑप्शन है हल्द्वानी अल्मोड़ा उत्तरकाशी एंड पिथौड़गढ़ तो उसका राइट right आंसर है आपका उत्तरकाशी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट एक स्नो लियो पार्ट कंजर्वेशन सेंटर ओपन करने जा रही है आपके उत्तरकाशी में सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बिकम द न्यू सी ईओ ऑफ एच डी एफ सी बैंक तो कौन बनेगा आपका एच डी एफ सी बैंक का नया सी ई एंड आपके ऑप्शन है आदित्यपुरी शशिधर जगदीशन संदीप बख्शी एंड संजीव चड्डा सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी शशिधर जगदीशन इज गोना बिकम द न्यू सीईओ ऑफ एच डी एफ सी बैंक बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यू टी लॉन्च ई ज्ञान मित्र फॉर ऑनलाइन एजुकेशन तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र लॉन्च किया गया है एंड आपके ऑप्शन है दादर नागर हवेली दमन एंड ड्यू जैसे तो आपको पता है इन दोनों को कोलेबोरेट कर दिया गया है देन आपका ऑप्शन नंबर बी है जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर एंड तेलंगाना सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दादर नगर हवेली एंड दमन एंड ड्यू सो so, इस यूटी में आपका ई ज्ञान मित्र फॉर ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्च किया गया है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइज अगर आपको हमारे कोई सेशन पसंद आते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट अंडर स्कोर आई क्यू अंडर स्कोर से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ so, पर हम डेली चार से पाँच क्विज आपसे पूछते हैं सो so, आप जरूर से इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल पाए राइट right, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड विशेष कोड टू विन तो आपको बताना है विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के ले लेखक कौन है एंड आपके ऑप्शन है विजय कुमार चौधरी निरुपमा यादव नीतीश कुमार एंड विराल वी आचार्य तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी निरुपमा यादव इज द ऑथर ऑफ बुक विशेष कोड टू विन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुजिकम दी एम ऑफ ग्याना तो आपको बताना है ग्याना के नए पी एम कौन बने हैं आपके ऑप्शन है मार्क फिलिप्स चीन कैटेक्स, शिंजो आबे ए मोहम्मद इरफान अली सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मार्क फिलिप्स बने हैं आपके नए पी एम ऑफ ग्याना सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग फॉर इज वर्क ऑन इश्यूज रिलेटेड टू कोविड नाइन्टीन तो आपको बताना है कोविड 19 के संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भारतीय पुरस्कार किसने जीता है एंड आपके ऑप्शन है दीपांकर घोष यूसुफ जामल रोहित सरदाना अंजना ओम कश्यप सो so, राइट right ऑप्शन इज दीपांकर घोष so, दीपांकर घोष जी ने जीता है आपका प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग राइट right? तो so, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसीव स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स आई टी इनेबल स्कॉलरशिप स्कीम तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी आई टी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है एंड आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सो राइट ऑप्शन इस ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जीता आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स आई टी इनेबल स्कॉलरशिप स्कीम सो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा ली टैंग हुई हु पास्ड अवे रिसेंटली फॉर द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो आपको बताना है ली टैंग हुई हाल ही में जिनका निधन हुआ है वह किस देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे आपके ऑप्शन है वियतनाम मलेशिया सिंगापुर ताइवान सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ताइवान सो ली टेंग हुई को फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है ताइवान में राइट right? तो so, आपको ये सारे क्विज को याद रखना है राइट right? तो so, इसके आंसर भी आपको दे रखे हैं तो so, आप इस पूरे लेक्चर की पी को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सिंपल कॉन्सेप्ट आई क्यों टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए वरना लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे रखा है आप वहाँ जाके इस पूरे लेक्चर की पी को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको दोबारा से रीअटम्प्ट भी कर सकते हैं राइट right? सो so, खुश रहिए मुस्कराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्विज सेशन में